हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से फ्लाई करने जा रहे हैं अपना एक न्यू आरसी प्लेन। देख सकते हैं ये हमारा 4 चैनल का एक आरसी प्लेन है। ये इसका फ्यूजलाइज है और ये रहा इसका विंग। दोनों को हम असेंबल करके फ्लाई करेंगे और इसकी खास बात ये है कि इसमें मैंने एलरॉन और एलिवेटर दोनों का यूज़ किया है। इसके अलावा रडर, तीनों चीज़ों का इसमें यूज़ हुआ है। इस प्लेन से हम बहुत अच्छे से लूप बनाएंगे। तो प्लेन काफ़ी लाइट वेट है और इसे हम 2200mAh एंड 1500mAh दोनों बैटरियों से फ्लाई करेंगे। प्रिंस पेंसिल मेकर का हमने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने एक स्पोर्ट प्लेन बनाया था और यूनिवर्सिटी में कंपटीशन में ले गए थे, तो उसी को देखते हुए हमने इस प्लेन को बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पर हम अपने प्लेन को असेंबल किए ले रहे हैं। ये इसका प्रोपेलर है, इसे हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। और प्लेन को काफ़ी दिन बाद हमने बनाया है और काफ़ी दिन बाद हम वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिस कारण हम ना ही प्लेन बना पा रहे और ना ही कोई फ्लाइंग की भी वीडियो अपलोड कर पाए थे। तो चलिए, आज काफ़ी दिनों के बाद है तो प्लेन भी हमारा काफ़ी अच्छे से फ्लाई होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसे हम ऑलरेडी एक दो बार ट्राई कर चुके हैं, टेस्टिंग भी इसकी कर चुके हैं और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि हम केवल अभी तक हमने जो भी केवल एक मॉडल की हमने मेकिंग वीडियो डाली है, और आप लोग बताएं क्या आप लोग मेकिंग वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर एक दो भी कमेंट्स आई जिन्होंने अगर कहा कि मेकिंग वीडियो हमें चाहिए है, तो हम बिल्कुल आपको एक मेकिंग हर प्लेन की मेकिंग वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। फ़िलहाल तो हम इसे अभी केवल फ्लाई करके दिखाने वाले हैं। सीजी लगभग परफेक्ट है इसकी, तो चलिए इसे फ्लाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लेन हमारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और आज हम इसे ज़मीन से ही फ्लाई करने वाले हैं, तो देखते हैं ये कैसे उड़ता है। चलो भी ये बैलेंस नहीं हो रहा है और काफी इधर उधर स्टेबल जा रहा है। और लगभग अब बैलेंस हो चुका है काफी ज्यादा हद तक। बिल्कुल नजर आना बंद हो गया है हमारा प्लेन और हम इसे अपनी तरफ लेकर आते हैं। आवाज ज्यादा तेज है। अब हम इसे लैंड कराए ले रहे हैं एक बार, उसके बाद फिर से इसे ट्राई करेंगे।
प्लेन काफ़ी हमारा अच्छे से उड़ा और मुझे लगता है इनके कारण थोड़ी सी ये ग्लाइड नहीं ले रहा, तो हम इन्हें हटाए दे रहे हैं और उसके बाद इसे फिर से उड़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, प्लेन हमारा यहाँ पर 5 इंच के प्रोपेलर से काफ़ी गजब तरीके से फ्लाई हो रहा है, देख सकते हैं। और अब हम इसका लूप मारने जा रहे हैं, एक काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये लूप मार रहा है और ये रहा हमारा लूप, ये रहा लूप स्टेबल हो रहा है और ये रहा हमारा लूप, ये लूप। फ्लिप करा कर देखते हैं, इसके लिए हमें इसे सीधे दौड़ाना होगा पहले स्पीड में। और फिर ये घूम गया, पहले सीधे दौड़ाना और ये घूम गया। दोनों ही चीजें काफी बेहतरीन तरीके से कर रहा है, लूप भी मार रहा है, सर्कल भी बना रहा है। चलिए अब हम अपने प्लेन को लैंड कराए ले रहे हैं और हम इसे अपने बहुत आराम से लाकर